नमस्कार, जीजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार वाराणसी से भरा नामांकन। नामांकन से पहले प्रधानमंत्री ने लिया मां गंगा और काल भैरव का आशीर्वाद। बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा केंद्रीय मंत्री और तमाम बड़े नेता हुए शामिल। बीजेपी के दिग्गजों का प्रचार जारी। प्रधानमंत्री मोदी झारखंड के कोडरमा में करेंगे चुनावी रैली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अमेठी में करेंगे प्रचार। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के बनगांव में की जनसभा। योगी आदित्यनाथ यूपी के दरियाबाद में भरेंगे हुंकार। विपक्षी दलों की भी ताबड़तोड़ चुनावी रैली। झांसी में एक तरफ राहुल अखिलेश की संयुक्त रैली तो वहीं मायावती का भी प्रचार। प्रियंका गांधी अमेठी में तो मल्लिकार्जुन खड़गे गोरखपुर में संभाल रहे हैं कमान। वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी का निधन। दिल्ली से पटना ले जाया गया पार्थिव शरीर। प्रधानमंत्री मोदी समेत सभी दल के नेताओं ने जताया शोक। आज शाम पटना के गंगा घाट पर होगा अंतिम संस्कार। संदेश खाली में फिर शुरू हुआ महिलाओं का विरोध। तृणमूल कांग्रेस और स्थानीय पुलिस की मिलीभगत के खिलाफ प्रदर्शन। अपनी सुरक्षा के लिए गांव की सड़कों पर पहरेदारी करने को मजबूर। आज से 25 मई तक फ्रांस में दिखेगी 77वें कान फिल्म फेस्टिवल की धूम। भारत पर्व में सेव द डेट का होगा विमोचन। दुनिया भर के बड़े चेहरे रेड कार्पेट की बढ़ाएंगे शान। बारिश ने फेरा गुजरात टाइटंस के अरमानों पर पानी। प्लेऑफ की दौड़ से बाहर। वहीं आज दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में होगी भिड़। और सबसे पहले खबरें 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। यहां 1 जून को मतदान होगा। पीएम के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचने पर भारी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि पीएम मोदी पहली बार 2014 में यहां से रिकॉर्ड मतों से निर्वाचित हुए थे। उनके नामांकन के लिए अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकालने वाले पंडित गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर प्रस्तावक बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करने के बाद सोशल मीडिया साइट एक्स पर इसकी जानकारी दी। पीएम मोदी ने लिखा, उम्मीदवार के तौर पर वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस ऐतिहासिक सीट के लोगों की सेवा करना सम्मान की बात है। जनता के आशीर्वाद से पिछले दशक में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल हुई हैं। आने वाले समय में काम की यह गति और भी तेज होगी। और वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए घटक दलों के नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान घटक दलों के वरिष्ठ नेताओं ने पीएम मोदी का अभिवादन किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पीएम मोदी की अगवानी की। नामांकन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में काल भैरव के दर्शन किए। काल भैरव को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है और ऐसी मान्यता है कि बगैर उनकी अनुमति के कोई भी काशी में ठहर नहीं सकता है। नामांकन से पहले कल काल भैरव के दरबार में पीएम मोदी की अर्जी के कई मायने हैं। उनका काशी के साथ विशेष नाता है, जो सांसद रहते हुए कई बार देखने को मिला है।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट किया। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि वाराणसी से नामांकन दाखिल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधिकारिक तौर पर काशी के लोकसभा उम्मीदवार बन गए हैं। उन्होंने लिखा कि उनके मजबूत नेतृत्व और दूरदर्शी दृष्टिकोण ने एक दशक में परिवर्तन ला दिया है। आज वह देश को विकसित भारत के लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए तैयार हैं। विदेश मंत्री ने आगे लिखा कि विश्वास है कि देश के बाकी लोगों की तरह वाराणसी के लोग भी उन्हें उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपना आशीर्वाद देंगे। चिराग पासवान ने कहा कि नामांकन के मौके पर पीएम मोदी के सभी समर्थक उनके साथ हैं। ये एकता हमारी ताकत है और एनडीए की इस एकजुटता का हमें पूरे देश में फायदा मिल रहा है। एनडीए की वो एकजुटता है जिसका यकीनन हम लोग को लाभ पूरे देश में हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी के नामांकन में उनके तमाम सहयोगी जिस एकजुटता के साथ आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, यही अभाव विपक्ष में देखने को मिलता है। आज हम लोग की ताकत ही हमारी एकता है। जिस तरीके से हर राज्य में तमाम घटक दल ईमानदारी से एक दूसरे के साथ मिलकर हम लोग प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल ने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल की सेवा काल पर पूरा विश्वास है कि और आगे आने वाले अमृत काल में विकसित भारत बनाने के लिए देश की जनता ने मन बना लिया है। 400 से अधिक सीटें पीएम मोदी की झोली में जाएंगी और उत्तर मुंबई एक रिकॉर्ड मार्जिन से पीएम मोदी को जिताएगी। हमें यहाँ के नागरिक दे रहे हैं उससे मुझे पूरा विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 वर्ष के कार्यकाल में किए सेवा कार्य काम पर और आगे आने वाले अमृत काल में एक विकसित भारत बनाने के लिए अब देश की जनता ने मन बना लिया है। 400 से अधिक सीटें मोदी जी के झोली में जाएंगी और उत्तर मुंबई एक रिकॉर्ड मार्जिन से मोदी जी को भेंट में मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करने के उपलक्ष्य में पूरा शहर मोदीमय हो गया है। अपने में प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की धरोहर समाहित किए बाबा विश्वनाथ का ये शहर आज पीएम मोदी का भव्य स्वागत कर रहा है। इसी उपलक्ष्य में शहर की महिलाओं ने पीएम मोदी की जीत के लिए मंगल कामनाएं की। पीएम मोदी के नामांकन के दौरान चुनाव का मिजाज और गठबंधन की एकजुटता जानने के लिए एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं से खास बात की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। दो सहयोगी दल हमारे साथ हैं, संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर। आज नामांकन में हमने देखा एनडीए की एकजुटता दिखी, क्या कहना है ओम प्रकाश राजभर जी? देखिए, खुशी की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वाराणसी संसदीय से पर्चा भरे हैं। ये बनारस के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए खुशी का माहौल है कि आज देश के प्रधानमंत्री बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि 80 की 80 सीटें का लक्ष्य है एनडीए के सहयोगियों के साथ। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 80 की 80 और देश में 400 पार सीटें हम लोग जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जनता चुनाव लड़ रही है। संजय साहब जी, आप क्या कहेंगे, क्या कहना आप? सौभाग्यशाली है देश की जनता कि मोदी जी यहाँ चुनाव लड़ रहे बनारस में, और हम मछुआरों की जिम्मेदारी बनती है गंगा पुत्रों की कि मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। पूरे देश के मछुआरों ने तय कर रखा, देश की जनता ने तय कर रखा मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। एनडीए की सहयोगी अनुप्रिया पटेल हमारे साथ है। अनुप्रिया जी, एनडीए का पूरा जो सहयोगी दल है सब मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में, क्या संदेश दे रहे हैं आप लोग? देखिए, हम एनडीए के सभी पार्टनर्स आज यहाँ काशी की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नामांकन पत्र के दाखिला के अवसर पर आए हैं उनको अपनी शुभकामनाएं देने के लिए। उनके नेतृत्व में हमारा विश्वास है, भरोसा है। तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एनडीए की सरकार की हैट्रिक लगने जा रही है और काशी की जनता रिकॉर्ड मतों से ऐतिहासिक जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दर्ज करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का लक्ष्य इस बार, एक भी सीट कह रहे बीजेपी इस बार कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। देखिए, हमारा एनडीए का कुनबा उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत हो चुका है। जैसे 5 उंगलियों से मुट्ठी बनती है वैसे भाजपा, अपना दल, सुभाषपा, निषाद पार्टी और RLD पांचों ने मिलाकर एक मजबूत मुट्ठी बनाई है और इस बार हम उत्तर प्रदेश को तीसरी बार फतेह करके एनडीए को सबसे ज्यादा मजबूती देने जा रहे हैं। तो तमाम जो एनडीए के सहयोगी हैं उनके साथ कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश जिताने में।
हमने देखा कि तमाम एनडीए के सहयोगी नेता मौजूद रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी से नामांकन में। कैमरामैन मुरली पांडे के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज वाराणसी। केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के बनगांव में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस रैली में उन्होंने कहा कि वो जनता को गारंटी देते हैं कि उन्हें सम्मान से जीने का हक मिलेगा। दुनिया की कोई भी ताकत हिंदू, बौद्ध और जैन शरणार्थी को देश का नागरिक बनने से रोक नहीं सकती। मैं गारंटी देकर जाता हूँ बनगांव वालों, किसी को कोई तकलीफ नहीं आएगी, नागरिकता भी मिलेगी और देश में सम्मान के साथ जी भी पाओ। मेरी बात ध्यान से सुन लो, दुनिया की कोई ताकत मेरे हिंदू शरणार्थी भाई, बौद्ध शरणार्थी भाई, जैन शरणार्थी भाई को नागरिक बनने से रोक नहीं सकती। ये नरेंद्र मोदी का वादा है। चुनाव आचार संहिता के पालन से संबंधित चुनाव आयोग ने दूसरी रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट जारी करते हुए आयोग ने कहा है कि तकरीबन 2 महीने से जारी चुनाव आचार संहिता जारी रहने के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले सभी मामलों को तकरीबन निपटाया जा चुका है, जबकि सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की कुछ शिकायतें बाकी हैं। चुनाव आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए आचार संहिता के पालन की जानकारी देते हुए आयोग ने बताया है कि अब तक दर्ज की गई 425 शिकायतों के 90% मामलों का निपटान किया जा चुका है। चुनाव आयोग द्वारा अब तक की गई तकरीबन 44 कार्रवाइयों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि आयोग द्वारा निरंतर की जा रही मॉनिटरिंग के तहत ये कार्रवाई की गई है। भारत के चुनाव आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 2024 आम चुनाव के दौरान चुनाव आचार संहिता पर दूसरी रिपोर्ट जारी की है। पहली रिपोर्ट 16 अप्रैल को जारी की गई थी। कांग्रेस ने सुप्रिया भारद्वाज को राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक घोषित किया है। सुप्रिया भारद्वाज पार्टी में राधिका खेड़ा की जगह लेंगी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर कहा है कि रायबरेली में एकतरफा चुनाव है, राहुल गांधी यहां रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। रायबरेली के लोग राहुल गांधी को आशीर्वाद देने के लिए उत्सुक हैं और वो उन्हें भारी मतों से जिताएंगे। रायबरेली में एकतरफा चुनाव है, राहुल गांधी जी रिकॉर्ड मतों से जीतकर जाएंगे यहाँ पर, और उनके लड़ने से ना सिर्फ इस पूरे इलाके और प्रदेश में लेकिन गठबंधन को बहुत मजबूती मिल रही है। और मैं मानता हूँ कि रायबरेली के लोग यहाँ पर मन मना के बैठे हुए हैं, क्योंकि पूरे देश की निगाह इस चुनाव पर है और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है, सब संसाधन लगा रहे हैं और खूब सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। जो इंजन है ना दोनों सिंगल डबल, वो सब लगे हैं यहाँ पर, लेकिन कोई काम नहीं आ रहा, कोई लोग मन बना चुके हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख और कन्नौज लोकसभा सीट से उम्मीदवार अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के झांसी में इंडी गठबंधन की संयुक्त चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने इंडी गठबंधन के जीत का दावा किया और सत्ता में आने के बाद अग्निवीर योजना को समाप्त करने की बात की। हम इंडिया गठबंधन के लोग अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। न केवल नौकरी के रास्ते खुलेंगे बल्कि अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और 24 की चुनौती की खबरों में अभी बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए डीडी न्यूज। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है।
और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का कल शाम दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे 72 साल के थे। बीते कुछ समय से वे गले के कैंसर से पीड़ित थे। आज उनका पार्थिव शरीर विशेष विमान से दिल्ली से पटना ले जाया गया। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए उनके राजेंद्र नगर स्थित निजी आवास में रखा जा रहा है। इसके बाद पटना के गुलाबी घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुशील कुमार मोदी के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, लालू प्रसाद यादव समेत कई पार्टी और विपक्ष के नेताओं ने शोक व्यक्त किया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सुशील मोदी के निधन पर कहा कि सुशील मोदी भाजपा के आदर्श और निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं। पूरे देश में उनका सम्मान था। उनका निधन न सिर्फ भाजपा बल्कि पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने भी कहा कि सुशील मोदी से उनके व्यक्तिगत संबंध थे और उनका जाना न सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि देश की राजनीति के लिए भी बड़ी क्षति है। पूरे बिहार को क्षति है, बीजेपी को क्षति है, व्यक्तिगत तौर पर मुझे बहुत बड़ी क्षति है। हम लोगों ने एक अभिभावक, नेता, मित्र खोया है। सुशील जी बहुत संघर्ष करके ऊपर आए। कैलाशपति मिश्रा जी के बाद वही एक नेता थे जिसको पूरे बिहार के लोगों का दुख सुख बांटते थे। कहीं भी कुछ घटना हो जाए, कोई पहुंचे न पहुंचे, सुशील मोदी जी पहुंचते थे और हमारा तो उनका व्यक्तिगत संबंध बहुत था। सुशील मोदी जी देश के वरिष्ठतम राजनेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक आदर्श और निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं और न केवल बिहार वरन पूरे देश में उनका सम्मान था, देश की राजनीति में उनका बड़ा योगदान रहा है। सुशील मोदी जी का निधन भारतीय जनता पार्टी ही नहीं देश की राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है। मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पटना के गंगा घाट में आज शाम सुशील मोदी को मुखाग्नि दी जाएगी। खबरों में आगे, पश्चिम बंगाल का संदेश खाली एक बार फिर से सुर्खियों में है। यहाँ की महिलाओं ने फिर से तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ और उनके कार्यकर्ताओं और पुलिस की साठगांठ के खिलाफ प्रदर्शन किया है। महिलाओं ने यहाँ गांव की सड़कों पर रात में पहरेदारी शुरू कर दी है। असल में तृणमूल कांग्रेस ने संदेश खाली को लेकर अब तक एक नया वीडियो जारी किया है जिसमें संदेश खाली से संबंध रखने वाले बीजेपी नेता के खिलाफ कुछ बातें कही गई हैं। इसी वीडियो फुटेज पर नया बवाल मचा है। यहाँ की महिलाओं ने ही इस वीडियो को झूठा और फर्जी करार दिया है और कहा है कि TMC यहाँ के बीजेपी नेताओं को फंसाने की साजिश रच रही है। महिलाओं ने TMC कार्यकर्ताओं पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि वे फर्जी वीडियो बना रहे हैं। इस दौरान कुछ महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है जिसके विरोध में ये ताजा घटनाक्रम हो रहा है। महिलाएं रात में बाकी औरतों की सुरक्षा के लिए पहरेदारी कर रही हैं। इस बीच कथित फर्जी वीडियो के जरिए फंसाए गए स्थानीय बीजेपी नेता ने कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है जिस पर आज सुनवाई भी हुई। वहीं ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नफरत भरे भाषण का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से तत्काल कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम इस मामले में दखल नहीं दे रहे हैं।
आर्टिकल 32 के तहत हम चुनाव आयोग को ऐसे निर्देश जारी नहीं कर सकते हैं। और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 30 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। राज्य पुलिस के बयान के मुताबिक माओवादी विचारधारा से क्षुब्ध होकर इन लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। 30 नक्सलियों में से 9 पर 39 लाख का इनाम है। वहीं इस साल अब तक 180 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 76 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। लेकिन जो नक्सल गतिविधि, नक्सल विरोधी जो अभियान जो जिले में चल रहे हैं, अलग अलग जिलों में चल रहे हैं, हमारे जिले में भी जो चल रहे हैं, इसके अलावा जो हमारा जो प्रचार प्रसार है, इनको जो हम डायरेक्ट कांटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी जो नक्सली हैं वो समर्पण करना चाहते हैं, आत्मसमर्पण करना चाहते हैं तो डायरेक्ट हमसे मिल सकते हैं, आत्मसमर्पण कर सकते हैं। तो ये उसका प्रभाव भी है जिससे ये लोग यहाँ हमारे पास आत्मसमर्पण कर रहे हैं। भारतीय कपास संघ CAI का अनुमान है कि 24 सितंबर को समाप्त होने वाले फसल वर्ष 2023-24 के दौरान कपास निर्यात करीब 27% बढ़कर 28 लाख गांठ हो जाएगा। फसल सत्र 2022-23 में कपास का निर्यात 22 लाख गांठ था। गौरतलब है कि एक गांठ 170 किलोग्राम के बराबर होती है। भारतीय कपास संघ के अध्यक्ष अतुल गनात्रा ने एक समाचार एजेंसी को बताया कि दिसंबर 2023 से मार्च 2024 के दौरान कपास की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की तुलना में 8-10% कम होने की वजह से भारतीय कपास की मांग बढ़ गई। अतुल गनात्रा का कहना है कि भारत से कपास मुख्य रूप से बांग्लादेश, चीन और वियतनाम जैसे देशों को निर्यात किया जाता है। इस बीच CAI ने वर्ष 2023-24 के लिए कपास उत्पादन 309.70 लाख गांठ होने का अनुमान लगाया है। हालांकि उत्पादन पिछले सत्र के 318.90 लाख गांठ से कम रहने की उम्मीद है। अप्रैल 2024 के अंत तक कुल कपास आपूर्ति 315.86 लाख गांठ होने का अनुमान है। अप्रैल तक अब कपास की अनुमानित खपत 192.50 लाख गांठ है, जबकि निर्यात 21.50 लाख गांठ आंका गया है। उधर महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर है। ताज़ा जानकारी, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल महीने में खुदरा महंगाई दर में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। मार्च में 4.85% रही महंगाई दर, अप्रैल में घटकर 4.83% पर आ गई है। ये 11 महीने का निचला स्तर है। हालांकि यह आंकड़ा अर्थशास्त्रियों के अनुमान से थोड़ा अधिक है, जिन्होंने 4.80% की दर का अनुमान लगाया था। लेकिन राहत की बात यह है कि खुदरा महंगाई दर RBI की ओर से निर्धारित 2-6% दायरे के अंदर रही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में खाद्य वस्तुओं की खुदरा महंगाई दर में मामूली बढ़ोतरी के साथ 8.70% रही। एक महीने पहले मार्च में यह 8.52% के स्तर पर थी। ग्रामीण महंगाई दर 5.45% से घटकर 5.43% आ गई और शहरी महंगाई दर 4.14% से घटकर 4.11% पर आ गई है। दूध मिल्क प्रोडक्ट्स की महंगाई दर अप्रैल में 2.97% रही, जो मार्च में 3.38% थी। सब्जियों की महंगाई अप्रैल में 27.80% रही, जो कि मार्च में 28.34% थी। हालांकि मीट और मछली की महंगाई दर में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई। अप्रैल में मीट और मछली की महंगाई दर 8.17% रही, जबकि ये मार्च में 6.36% थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि गीता ज्ञान ने अंधकार को दूर करके हमारे जीवन को प्रकाशित करती रही है और सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। उपराष्ट्रपति ने आज संसद भवन NXC एक्सटेंशन बिल्डिंग में संविधान विशेषज्ञ पद्मभूषण सुभाष सी कश्यप की पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता सफल सार्थक और सुखी जीवन का मार्ग का विमोचन किया। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित इस पुस्तक का लेखन सुभाष कश्यप ने 95 वर्ष की आयु में किया है। सुभाष कश्यप अब तक राजनीति शास्त्र पर 100 से ज्यादा पुस्तकों का लेखन कर चुके हैं। इस मौके पर उनकी पुत्री डॉक्टर स्वाति कश्यप भी उनके साथ मौजूद थी। इस पुस्तक का उद्देश्य गीता के श्लोकों का अर्थ सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। When in doubt, pain of two minds,
when in the Macbeth syndrome, to be or not to be, you have a light at the end of that tunnel, and that light is flickering from Gita. Gita teaches you sublimity, spirituality, religiosity, commitment to your duty, distancing yourself from self. और इस बुलेटिन में बस इतना ही. डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी. नमस्कार. सियासी पिसाद.